Good morning, Vidhi. क्या हो गया विधि, क्या कर रही हो सुबह सुबह लैपटॉप के पास? देव जी, मैंने सारी रात जागकर राव जी भाई का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था वो पूरी फाइल कंप्लीट की ताकि मैं आज वो सबमिट कर सकूं और एकदम निश्चिंत होकर रिजाइन कर सकूं। लेकिन पता नहीं ये लैपटॉप को क्या हो गया, ये बंद हो गया, ये चालू ही नहीं हो रहा है। एक मिनट हटो। ये देखो, ये तुम्हारी फाइल रिट्रीव हो गई। वाओ देव जी, आपने तो कमाल ही कर दिया। और एक पेन ड्राइव है। और ये पेन ड्राइव भी सेव हो गए। थैंक यू सो मच। आपको पता है देव जी, अब मैं एकदम निश्चिंत होकर रिजाइन कर सकती हूँ। विधि, मुझे वो थोड़ा तिगड़ा वाला इंसान है, जरा होशियार है। बाय चांस अगर वो कुछ गड़बड़ करता है मुझे बताना, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या करना। मम्मी जी, मुझे लगता है कि हमें विक्रम को एक चांस देना चाहिए। वो एक मौका डिजर्व करता है मम्मी जी। क्या पता ये बच्चा विक्रम को बदल दे, उसे एक अच्छा इंसान बना दे, उसे ये एहसास हो जाए कि अम्बा गलत है और हम सही, और वो अम्बा को छोड़ के हमारे पास आ जाए। चित्रा, अब तबीयत कैसी है? कैसे भी हो आपको इससे मतलब? हाँ, शाम को मिल जाएंगे सारे पैसे, मैं कॉल करता हूँ। विधि, क्या बात है, तुम यहाँ पर? कॉफी कॉफी मंगा लेता हूँ मैं तो। नहीं, थैंक यू। जय जी, हमारे राव जी भाई के ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस रिपोर्ट है और इसके मुताबिक काम अभी रुका हुआ है, डिले हो रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि आपने इसका काम क्यों रुकवाया है? क्या I mean, मैंने I'm so sure कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं अपना काम क्यों रुकाऊंगा और तुम मुझसे ये पूछ रही हो? मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? ऐसा सोच कैसे सकती हो तुम मेरे बारे में? चित्रा, ठीक तो तुम बिल्कुल भी नहीं लग रही हो। बताना क्या बात? मैंने कल जो विक्रम के लिए कहा था उस बात से नाराज है। समझ गई थी मैं कि यही बात होगी। देखो चित्रा, ये वक्त स्ट्रेस लेने का नहीं है, तू कुछ मत सोच अभी। कैसे ना सोचू भाभी, उसने ये सब जो किया उसके बाद तो। चित्रा देखो, उसने जो कुछ भी किया लेकिन तुम्हें क्या करना है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देख चित्रा, मैंने ना विधि को देख के सीखा है कि जो हो गया ना उस पे हमारा बस नहीं होता, लेकिन हमें उस बात पे रिएक्ट कैसे करना है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। चित्रा, ये वक्त ना सिर्फ तेरे होने वाले बच्चे के लिए होना चाहिए और किसी के लिए नहीं। मां बनना ना दुनिया का सबसे खूबसूरत पल होता है, जो तुझे मरते दम तक याद रहेगा, तो तू उसे सेलिब्रेट कर। देख चित्रा, प्रॉब्लम किस बात की है? हम में से कोई भी तुझे किसी भी बात के लिए फोर्स नहीं करेगा,
But you just have to... Pause. Just pause for a while. तुम तो अच्छे से जानती हो ना कि अगर काम में कोई रुकावट आती है तो क्या होता है। मैं अपने काम को कितना सीरियसली लेता हूँ और खास करके जब डेडलाइंस आगे पीछे होती है तो मेरा दिमाग हिल जाता है और ये हिला हुआ दिमाग पूरे स्टाफ को हिला देता है ना। और तुम कह रही हो कि मैं आगे से अपने काम को डिले करवा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। ऑफ कोर्स मुझे कुछ नहीं पता, और हमारी कंपनी को लेकर अगर मुझे कुछ नहीं पता है तो वो बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती है। जय जी, लेकिन मैं जो कह रही हूं उसका प्रूफ है मेरे पास। हेलो, हाँ अंदर आ जाइए प्लीज। परम जी, आपने क्या हो रहा है, ये सब ये यहाँ पर क्या कर रहा है? परम जी, आपने जो मुझे बताया वो इन्हें भी एक बार बता दीजिए। क्या क्या बताओगे? एक मिनट, कंपनी को लेकर अगर कोई बातचीत करनी हो तो कंपनी के बॉस से बात करोगे ना। ये काम क्यों रुका हुआ है? किसने बोला था काम रोकने के लिए? कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल करना चाहिए ना। आपको कॉल क्या करता सर, आपने तो होल्ड पे रखने के पैसे दिए मुझे। झूठ बोल रहा है आदमी। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर, मेरा फायदा तो काम खत्म करने में, होल्ड करने में थोड़ी। अरे झूठ झूठ बोल रहा है जय जी। अरे झूठा आदमी एक नंबर का, कुछ भी बोले जा रहा है। मेरा नाम बदनाम करने के लिए किसने पैसे दिए बोल। जय जी प्लीज, आप अपना कंट्रोल मत खोइए। अरे क्या कंट्रोल भी थी? एक बाहर का आदमी कुछ भी आकर तुम्हें बोलते, तुम मुझ पर विश्वास कर रही हो, तुम्हारे बॉस पर विश्वास नहीं है तुम्हें। मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैडम, सर ने मुझे खुद अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, आप चाहे तो देख लीजिए। अरे क्या दिखाएगा हाँ? ऐसे मार्केट में ये नकली कागज बनाने वाले बहुत बिकते हैं। निकल बाहर निकल, चल आगे जाकर मुझसे काम मत मांगिए। पकड़ दी फाइल, पकड़ निकल, आ निकल 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 बाहर। एक नंबर का झूठा लायर, किस पर तुम विश्वास कर रही थी बेटी? कुछ भी बोले जा रहा था वो। मैंने कुछ नहीं किया है, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट किया था मैंने, बहुत ज्यादा ट्रस्ट, लेकिन आज आपने उसे तोड़ दिया। Anyway, अपना वादा पूरा करते हुए रावजी भाई के ड्रीम प्रोजेक्ट में मेरे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे वो सारा काम मैंने पूरा कर दिया। वो सारी इंफॉर्मेशन इस पेन ड्राइव में। मेरा काम पूरा हुआ, I resign. क्या हो गया कि तुम्हें, क्या कर रही हो? ये कह रहे हो कि बातों में आकर ये कंपनी छोड़ के जा रही हो तुम? समझने की कोशिश करो। मैंने समझ आ रहा है, फाइनली अब जाकर मुझे सब समझ आ गया। आपने हर्ट किया है मुझे जय जी, झूठ कहा आपने। मुझे सबसे ज्यादा बुरा इस बात का लग रहा है कि आपने अपने रावजी भाई के ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ ऐसा किया। एनीवे, प्रणाम। विधि, परम जी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे और सच्चाई के लिए आपने इतना पुराना क्लाइंट छोड़ दिया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैं कैसे इंसान के काम आया जिसने छोटा बड़ा जाने बिना हर किसी की मदद की, सबको इंसान समझा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।
जय सर का फोन और वो भी इस वक्त। क्या करूं, उठाऊं कि नहीं? हेलो सर, आई एम सो सॉरी, मैंने अभी जस्ट देखा आपका फोन। बताइए सर। जितना पूछ रहा हूँ उसका जवाब चाहिए, वरना आज के आज गांव भेज दूंगा। जी सर बताइए, आप जो भी पूछेंगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने परम कॉन्ट्रैक्टर को पैसे खिलाए थे राव जी भाई का प्रोजेक्ट होल्ड पर रखने के लिए, इस बात का पता विधि को कैसे चला? वो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो कल आया था। What? परम रायचंद इंडस्ट्रीज आया था, क्यों? सर वो एक्चुअली हमारी कंपनी के साथ काम करते हैं, तो हो सकता है उन्होंने कुछ बताया। मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। हेलो। हाँ दीप जी, मैंने रिजाइन कर दिया है, डोंट वरी, मैं बस 5 मिनट में बाहर ही आ रही हूँ। लिली, आई एम हैप्पी तुमने ये डिसीजन लिया, इट्स ओके। मैं पार्क में हूँ, तुम आओ, मैं तुम्हारा वेट कर। ओके जय जी। पता नहीं आप और क्या कहना चाहते हैं। हेलो। अब हेलो 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 विधि, देखो आई एम सॉरी, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। इनफैक्ट इस समय तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन देखो मैं कुछ जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इनफैक्ट मैं तो अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें हर्ट करके मैंने पापा को हर्ट किया है। पापा तुम्हें बहुत मांगते थे विधि, प्लीज प्लीज एक बार मेरी बात सुन, उसके बाद चली जाना। एक बार मेरी कैबिन में आ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज। पर जय जी, मेरे लिए नहीं, कम से कम राव जी भाई के लिए सही, एक बार मुझसे बात कर लो। देखिए जय जी, आप राव जी भाई का नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं एक आखिरी बार आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ओके श्योर श्योर। कहिए जय जी। विधि, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है विधि। पता, आज पापा की बहुत याद आ रही है विधि। कितने साल निकल जाते थे, मैं और पापा एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे। फिर मेरी जिंदगी में तुम आई। एक पिताजी और बेटे के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने से बचाया तुमने। लेकिन मेरी किस्मत देखो कितनी फूटी हुई किस्मत है मेरी, की एक पल भी मैं पिताजी के साथ नहीं बिता पाया और मुझे छोड़ के चले गए। फिर से अकेला हो गया मैं। याद है विधि, पापा को तुमने वादा किया था कि तुम मेरे लिए बिल्कुल अपने जैसी लड़की ढूंढोगी। दीदी बेटा, मेरा एक काम और कर देगी, अपनी जैसी कोई भीखड़ी इसके लिए भी ढूंढ देना। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ। पर एक बात बताऊ तुम्हें, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस पूरी दुनिया में तुम्हारे जैसी लड़की नहीं है। शायद ये वादा कभी पूरा नहीं हो पाए, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा वो इज्जत रहेगी। जय जी, मुझे लगा आपने यहाँ मुझे राव जी भाई के ड्रीम प्रोजेक्ट का जो काम है वो क्यों रुकवाया ये बताने के लिए बुलाया था। हाँ, जब तुम्हारी जाने की बात सुनी मैंने तो मैं डर गया था विधि। मुझे लगा पिताजी की तरह तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, और मैं इस डर ने मुझे खुदकश बना दिया और ऐसा काम करने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में सोचकर मुझे खुद से नफरत हो रही है। इतनी
इतनी छोटी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो विधि मुझे। प्लीज ये ऑफिस छोड़कर मत जाओ विधि। अगर तुम चली गई तो मैं टूट जाऊंगा विधि। प्लीज मत जाओ प्लीज। जय जी, आप जानते हैं ना मैं राव जी भाई की कितनी इज्जत करती हूँ। आपको याद है राव जी भाई का एक उसूल था कि जो इंसान किसी से अपना रिश्ता झूठ और फरेब की बुनियाद पर बनाए वो इंसान अपने आप का भी नहीं होता। वो इंसान अपने आप का भी नहीं होता। जय जी, मैं आपको माफ कर सकती हूँ लेकिन दोबारा आप पर भरोसा नहीं कर सकती और इसीलिए मैं इस कंपनी में काम नहीं कर सकती। विधि, ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जाना चाहती हो इच्छुक है लेकिन बस 15 मिनट। तुमने इस कंपनी को बहुत कुछ दिया है। इतने दिनों से तुम यहां पर काम कर रही हो, तुम्हारे कितने दोस्त हैं यहां पर। मैं ये चाहता हूं कि मैं और इस कंपनी का स्टाफ तुम एक छोटा सा फेयरवेल दे बस। देखो लंच ब्रेक खत्म होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी है। मैं सारी तैयारियां जल्द से जल्द कर दूंगा। प्लीज मना मत करो। अगर मैंने तुम्हें ऐसे जाने दिया तो मैं पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा। ठीक है पर थोड़ा जल्दी तुम मेरी कैबिन में जाकर बैठो। मैं तुम्हें वहां पर बुलाने आता हूं। ओके थैंक यू। हाँ देव जी, देव जी आप सही कह रहे थे। जय जी ने अपनी गलती मान ली है। इनफैक्ट उन्होंने अभी मुझसे माफी भी मांगी लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि मैंने डिसीजन ले लिया है, मैं रिजाइन कर रही हूँ। जल्दी कीजिए सर, 10 मिनट में ब्रेक खत्म हो जाएगा, स्टाफ आता ही होगा। शशि 5 मिनट में वो असर्टेड गिफ्ट्स और बुके लेकर यहाँ पर मिलो, एग्जैक्ट यही जगह पर। जी सर। विजय शायद ने आसानी से मान गया, कुछ तो गड़बड़ है।